कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय के 47वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है बता रहे हैं कि परब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है वह शोक रहे असीम आनंद से युक्त है। ये निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। इस श्लोक में दो तीन चीजें बताई गई है कि भगवान को जानने के लिए अनेक अनेक स्टेजेस है या पद है, एक के बाद एक। और दूसरा है कि भगवान के शरणागत होने से क्या लाभ होता है या भगवान को जानने से, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि वह शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। दूसरी बात यह है कि माया जो है, भगवान जो कोई भगवान को जान लेता है या भक्ति में लग जाता है तो भगवान माया जो है उनको छू नहीं सकती। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस भौतिक संसार की पर परम भोक्ता भगवान ही परब्रह्म या परम आश्रय है, क्योंकि वही समस्त कारणों के कारण है। ये सिद्ध यहाँ पे भी किया गया है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। तो इसके विषय में पूरा जो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे और हमने भी उनको समझने की कोशिश की है। और एक छोटा सा वो सब जो पॉइंट्स है वो मैं उस पॉइंट्स को आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करूंगी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा, ताकि वे समझ लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है। तो शायद उस पॉइंट से हम जो जो कुछ भी इस तात्पर्य में बताया गया है वो हम समझ लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग अपना जो है म्यूट पे ही रखिए, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। सब लोग फोन को या अपना लैपटॉप को म्यूट पे रखिए जब ये प्रेजेंटेशन चालू है, ताकि सभी को सब लोग देख सकें। हरे कृष्ण। सब लोग को दिख रहा है? यस माता जी। तो तीन जो स्टेजेस है भगवान को समझने के लिए, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि प्रथम स्कंद में वर्णन है, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म के तीनों स्वरूपों को, ब्रह्म परब्रह्म के तीन स्वरूप है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। तो ये ब्रह्मन जो है वो पहला स्टेज है, पहला कदम है। इसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि
इस भौतिक संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है। तो पहला जो है निर्गुण ब्रह्म, पहला जो परब्रह्म के को जानने का पहला जो चरण है वो है निर्गुण ब्रह्म। तो द कंसेप्शन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन इज फर्स्ट स्टेप। ये पहला कदम है। जैसे हमने आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसका वर्णन जो है ब्रह्मा जी ने किया है, पहले जो अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म का लक्षण है। निर्गुण ब्रह्म भी ब्रह्म का लक्षण है जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का प्रतिरूप है किंतु प्रकाश में विविधता है, जिस प्रकार की और जिसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं, तो अंधकार। ये पहला जो निर्विशेष ब्रह्म अंधकार से क्या है, बेहतर है। तो अंधकार से जब रोशनी, ये जो पहला है ब्रह्म ज्योति। पर ये ब्रह्म ज्योति जो है, यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का प्रतिरूप है किंतु प्रकाश में विविधता है। अंधकार से पहला स्टेप, अंधकार से प्रकाश। अंधकार से कुछ नहीं पता है लेकिन प्रकाश की ओर गए, तो प्रकाश की ओर गए तो और भी होता है, वो है दूसरा स्टेप। वो दूसरा स्टेप जो विविधता है उसको धीरे धीरे समझना, तो सेकंड स्टेप। तो ब्रह्म परमात्मा, तो परमात्मा के का दूसरा स्टेप है कि हम जो है अंधकार से और विविधता से इस ब्रह्म को समझे। तो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, और लाइट हैज वेरीगेटेडनेस व्हिच कैन बी सीन बाय दोज हु फर्दर एडवांस इन द लाइट। तो ब्रह्म ज्योति से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये जो ज्योति जो है उसकी ज्योति के आगे और क्या है। तो ये पहला कदम है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति को जो जानते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं तो वे जो है ये जो निर्विशेष जो है ब्रह्म का ही ज्ञान होता है। पर ये गलत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रह्म के तीन कदम है या तीन चरण है। तो पहला है ब्रह्म परमात्मा, और जो अंतिम है वो है भगवान। तो यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है कि पहले भौतिक उन्माद की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार सम्मिलित रहता है, लेकिन भगवान तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है। भगवान ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, जो ब्रह्म को जानता है वो कुछ ज्ञान है भगवान के विषय में, लेकिन सीमित है। जैसे कि कोई जो पढ़ता है ज्ञान, स्कूल में जाता है तो 10वीं तक पढ़ता है, उसके आगे जाता नहीं, तो उसका ज्ञान है सीमित है, सिर्फ 10वीं तक है। लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को 10वीं तक पढ़ा तो वो अनपढ़ है, नहीं, वो भी पढ़ा लिखा, उसने कुछ तो पढ़ा, वो कुछ ज्ञान है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मन को जानते हैं
वो जो है उनका ज्ञान जो है उतना तक ही, आगे नहीं है। फिर बाद में आगे जब वो आगे अपने ज्ञान को बढ़ाएगा या ज्ञान को लेगा तो वो बीए करेगा, तो बीए में उनको और भी ज्ञान मिल जाएगा। इसीलिए भगवान परमात्मा और अंतिम जो सब कुछ है वो है भगवान, या जो कहेंगे एसएससी ग्रेजुएशन पीएचडी, पूरा जो ज्ञान उनका बढ़ता जाता है। और अंतिम ये अंतिम क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है, और इसका उल्लेख जो है हमने इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध में हुआ है कि तीन जो उनकी जो ये चरण है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया कि वेदंत वदंत तत् तत्वविदस तत्वम यज्ञान अद्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान। द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज्ड इन थ्री फेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो जो जो दसवीं पास है वो भी ज्ञानी है, उसको भी कुछ ज्ञान है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं, जो उसके आगे बढ़ता है उसको भी ज्ञान है, लेकिन जो अंतिम पूर्ण ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम भगवान को जाने। तो ये कदम है ब्रह्मन परमात्मा और भगवान, और उसको हम जानेंगे और गहराई से कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है सूर्य का, सूर्य की भी तीन श्रेणियां है, एक है सूर्य की किरणें, सूर्य का जो ग्रह, और सूर्य के अंदर जो है बैठे सूर्य देव। तो ये तीन चीजें, तो पहला है सूरज या सूर्य की किरणें। जब हम सूर्य की किरणें को देखते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ ये सूर्य से संबंधित है, कुछ है, लेकिन सूर्य को नहीं देखे, नहीं जानते। तो इसीलिए ये जो ब्रह्मन जो है ये पहला है, वे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है, ये पहला फेज है, फर्स्ट फेज। और हमने इसको इसी स्कंद में दूसरे स्कंद के पहला जो अध्याय था, ईश अनुभूति का पहला सोपान, तो द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, यही है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म को जानना। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो है ये निराकार ब्रह्म या ब्रह्म ब्रह्मन। दूसरा है सूर्य का ग्रह, सूर्य सन सरफेस, उसको कंपेयर किया गया है परमात्मा, फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम पर ब्रह्म का परमात्मा, वो लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम विद इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग, परमात्मा के रूप में अपने हृदय को। इसीलिए दूसरे इसका इस दूसरे स्तर का दूसरा अध्याय था द लॉर्ड इन द हार्ट। किसके पास है भागवतम हिंदी में क्या, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट चैप्टर 2.2? हृदय में भगवान, माता जी हृदय में भगवान, हृदय में भगवान की अनुभूति। तो पहला है पहला जो
रियायता ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, दूसरा है हृदय में भगवान परमात्मा, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान जो है परमात्मा के रूप में स्थित है। तो इस प्रकार से और भी ज्ञान, पहले तो सिर्फ ब्रह्म ज्योति, फिर जब आगे ज्ञान होता है तो ये जान सकते हैं कि हृदय में भगवान जो है, और इस इससे भगवान जो है वेदेश सर्वे सर्वस्य चाहम रिधि सन्निविष्ट। तो रिधि सन्निविष्टो मतलब भगवान अपने हृदय में परमात्मा के रूप में है। और मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो वो जो है मत और स्मृति और ज्ञान जो है वे प्रदान करते हैं, वो सेकंड फेज है, सेकंड स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, द लॉर्ड इन द हार्ट, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और थर्ड जो अल्टीमेट वो है भगवान। सूर्य की किरणें, सूर्य अग्रह और सूर्य देव जो इस ग्रह के अंदर निवास करते, तो जैसे कि कोई अज्ञानी है और इग्नोरेंट है, वो सिर्फ ये रोशनी को ही सब कुछ सोच लेता है, ज्योति को ही, और ऐसे भी है ज्योत ही सब कुछ है, ज्योत इससे आगे कुछ नहीं, ठीक है, ये भी एक भाग है प्रवर ब्रह्म का, लेकिन ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं, अधूरा ज्ञान है, अधूरा है। उसके बाद में ज्ञानी जो अपने हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान, वो भी है, उसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण जो है भगवान, जो भगवान को जानता है वो परमात्मा और ब्रह्म ज्योति सब कुछ जान लेता है, क्योंकि उसको सब कुछ, वो अंतिम है, अल्टीमेट है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इस रूप में जो है भगवान की पूर्ण जो विविधता है उसको जान सकते हैं, जब भगवान को जान सकते हैं तो भगवान की पूरी जो विविधता है वो जान सकते हैं। तो सनसाइन सन सर्फेस सन ब्राह्मण, सनसाइन इज द जो जान जिसको जानते हैं द ब्राह्मण फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ इम्पर्सनल ऑल पर्वेसिव स्पिरिट फॉर्मलेस एस्पेक्ट निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म। दूसरा है सन सर्फेस परमात्मा फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ द लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम विद इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग बिस्टोज नॉलेज द लॉर्ड इन द हार्ट। तीसरा है भगवान फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड कृष्णा द क्वालिटीज ऑफ ब्रह्मन ब्रह्मन आर सीन इन अबंडेंस कंप्लीट इन अबंडेंस। तो ये फेज थ्री है और उसका तीसरा जो दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। तो ये तीन जो फीचर्स है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सभ्य, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि परम भोक्ता भगवान ही परब्रह्म या परम आश्रय है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। तो ओरिजिनल भगवान कहते हैं भगवद गीता के सातवें अध्याय के सातवें श्लोक यहाँ पे बताया गया भगवान क्या कह रहे कि मत परतरम नन्या किंचित अस्ति धनंजय
मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। तो ये सूत्र जैसे कि मणि है, ये मोतियों की माला है, उसके अंदर ये सूत्र है, धागा दिखता नहीं तो हम सोचते नहीं है, हम सिर्फ मणि को देख रहे हैं, लेकिन इसको धारण कौन कर, सूत्र। अगर वो सूत्र टूट गया तो सब इधर उधर बिखर जाए। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणा। तो कौन स्रोत किसके हैं? ब्रह्मन परमात्मा के भी वेश। तो ये जानना जरूरी है कि भगवान को जिसने जान लिया तो वे जो है उनका पूर्ण, उनका ज्ञान जो है कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो परमेश्वर हर वस्तु का परम आत्मा है, अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है। अभी यहां पे जब भगवान को जानते हैं, भगवान को जब हम मिलते हैं तो प्रेम का बोध, अफेक्शन भी ऐड होता है, ज्ञान में ड्राई नहीं होता है। जैसे कि ज्ञानी लोग, कुछ लोग सोचते भक्तों को देखते हैं कि भक्त लोग इतना नाचते गाते, बाकी के जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं वो कितने सीरियस शांत, वो ऐसे ज्ञान वगैरह, इन तो भक्तों को वो समझते हैं, इसने इन लोग को देखो, ये भक्तों तो एक दूसरों से ऐसे बात करते हैं, घूमते फिरते खाते पीते और ये सब करते हैं, लेकिन वे अज्ञानता में, वे जानते नहीं कि वे प्रेम है। तो प्रेम भगवान की ओर होता है, जब भगवान से का मिलन होता है, भगवान से मिलन होता है, प्रेम का बोध, आत्मा से आत्मा का संबोधन, ये पूर्ण। और उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि पिता और पुत्र के प्रेम जैसा निकटता हो जाती है, भगवान से निकटता हो जाती है, जिस प्रकार एक पुत्र और पिता, पुत्र जो है पिता के गोद में बैठता है, से बात करता है, पिता उनसे खेलता है, आनंद है, ये प्रेम का बोध। तो पहला है, ये दो अंतर बताए गए यहां श्रील प्रभुपाद जी ने, दो अंतर बताए कि आध्यात्मिक अवस्था और भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में जो है ये प्रेम का बोध जो है अधूरा है, प्रेम जो है सिर्फ शारीरिक स्तर पर, स्किन डीप शारीरिक स्तर पर। तो अफेक्शन इज रियलाइज प्रेम का बोध, जब भगवान को इस स्टेज पे आ जाते हैं, भगवान रियलाइजेशन में आ जाते हैं तो जो है वो प्रेम का बोध है। लेकिन भौतिक जगत में भौतिक धारणा, सुप्रीम कंसेप्शन एंड मटेरियल कंसेप्शन, तो ये जो धारणा है भौतिक जगत में नहीं देखते। जब भगवान से भेंट होती है
तो वास्तविक प्रेम के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। पूर्ण प्रेम जब भगवान से भेंट। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि ब्रह्मा जी भी अपने जो श्लोक में बताते हैं कि माया जो है का कोई स्थान नहीं रहता है, वो लज्जित हो जाती है भगवान और भगवान के भक्तों के सामने। फिर भगवान नहीं, भगवान और भगवान के भक्तों के सामने वो खड़े ही नहीं रह सकती है। लज्जा के मारे वो वहां से दूर हो जाते। तो ये पूर्ण प्रेम प्रकट होता है, लेकिन भौतिक धारणाओं में इस शरीर और मन के स्तर पर होता है, आत्मा के स्तर पर, आत्मा के से आत्मा का स्तर पे नहीं है, शारीरिक स्तर। और जब ये स्तर जो आत्मा परमात्मा और आत्मा का जो ये प्रेम का बोध होता है तो परम आनंद का अनुभव होता है। और वो परम आनंद कैसा है? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए शाश्वत सुख की प्रवाह, मतलब ये फ्लो है, प्रवाह हमेशा। जैसे कि ये प्रवाह जो है, ये नदी जो है बहती रहती है, बहती रहती है, वो हमेशा के लिए है, शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। लेकिन भौतिक जगत का जो सुख है वो क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। भगवान ने पहले ही बता दिया है भगवद गीता, मातृ पार्श्व कौन थी, शीतोष्ण सुख दुखदा। इस सुख और दुख जो है आते जाते रहे, हमेशा के लिए नहीं। अभी सुख है तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। जब तक हम इस भौतिक जगत के से साथ संबंधित चीजों से हमारा संबंध है तब तक ये होता रहेगा। लेकिन भगवान के साथ जो है ये शाश्वत सुख धारा प्रवाहित होती है और उसके बंद होने का कोई आशंका नहीं रहती, जैसे इस भौतिक संसार में अनुभव कर चुके होते हैं। नया नया प्यार, नया नया कहाँ गया, खत्म हमेशा के। लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम का बोध है, उसकी धारणा जो, और बिना अविच्छिन्न, ये जो है भगवान का संबंध अविच्छिन्न होता है, अतः उनमें न शोक है ना भय है, हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पे भौतिक जगत में जितना भी प्रेम का जो है टूट जाता है। अगर कोई अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं करते, मानने बात नहीं मानते, तोड़ो, ब्रेक, सेपरेट, ब्रोकन, फियर ऑफ रिलेशनशिप्स गेटिंग ब्रोकन, ये जो है ब्रेक हो जाए, हमेशा डर रहता है, अरे वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, वो मुझे वो छोड़ के ना चली जाए, ये हमेशा डर रहता है कि ये जो संबंध है टूट जाएगा। लेकिन भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए वे हमेशा के लिए, और यहाँ पे बताया गया कि भगवान का संबंध अविच्छिन्न होता है, अतः उनमें न शोक न भय। शोक नहीं है, हम मुक्त हो जाते हैं,
इन सब श्लोक। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांच सम सर्वेशु भूते ना सोचती ना कांच। जब ब्रह्म भूत भगवान को जब हम जान लेते हैं तो हम ये शोक भय हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये सुंदर अवस्था है और ये जो है भक्ति से प्राप्त हो सकता है, भगवान से प्रेम के कारण एक ही रास्ता है भय से मुक्त होना, वो है भगवान अभय। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भगवान तथा भक्त दोनों ही के सारी इंद्रियां भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध है। भगवान और भगवान के भक्त, उनकी इंद्रियां जो है शुद्ध रहती है। इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे है। तो ये भौतिक कार्य भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पर जो है कोई शोक नहीं है, कोई भय नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि कार्य ये सभी जो भौतिक कार्य से परे है, ये आध्यात्मिक कार्य, कार्य वही है जैसे कि भक्त भी कार्य करता है, भौतिकवादी लोग भी कार्य करते हैं। जैसे कि भक्त नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका कार्य लगेगा एक जैसा भौतिकवादी लोगों के जैसा, पर भौतिकवादी लोगों जो है वो शोक और भय से कार्य करते हैं। भक्त जो है वे इन सब चीजों से परे है, जिसका यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख हुआ है, सत असत परम श्लोक में। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ पर माया का वश नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष माया लज्जाती है। माया का कोई जहां कृष्ण तहां नाई माया रा अधिकार। तो ये हुआ आध्यात्मिक और भौतिक जीवन या धारणाओं में अंतर, सुप्रीम कंसेप्शन एंड मटेरियल कंसेप्शन। अब जो है आगे प्रभुपाद जी बताते इंद्रियों का विषय में बताते, भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है, सरचार्ज्ड विथ मटेरियल इग्नोरेंस अविद्या। इंद्रियां जो है भौतिक जगत में अविद्या से, पर आध्यात्मिक इंद्रियां वही है, भौतिक इंद्रियां और आध्यात्मिक इंद्रियां। जब हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध हो जाती है तो हमारी इंद्रियां जो है वे आध्यात्मिक स्तर पर रहती है, भौतिक स्तर पर नहीं। आध्यात्मिक भौतिक स्तर की इंद्रियां कैसी होती है यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। भौतिक जगत में आत्मतुष्टि के लिए इंद्रियों को काम के लिए काम में लाया जाता है, किसके लिए, अपने खुद के आनंद के लिए इंद्रियों को इस्तेमाल किया जाता है। भौतिक जगत में आत्म
आत्म तुष्टि के लिए इंद्रियों का को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग उन प्रयोजनों के निमित्त जिनके निमित्त ये मूल रूप में बनी है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। खुद के प्रसन्नता के लिए इंद्रियों को इस्तेमाल किया जाता है भौतिक स्तर पर, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर भगवान के परमेश्वर को प्रसन्न कर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इंद्रियां इस्तेमाल की जाती। सम सिद्धि हरि कृष्ण। मटीरियल वर्ल्ड सेंसेस आर मैनिपुलेटेड फॉर इंडिविजुअल एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। और यहाँ पे सेंसेस आर प्रॉपरली यूज, यहाँ पे बताया गया है कि उपयोग उन प्रयोजनों के निमित्त जिसके निमित्त ये मूल रूप है, इंद्रियों का मूल रूप, प्रॉपर यूज जिसके लिए उनका ये इंद्रिया हमें दी गई है, यह इंद्रिया हमें दी गई है भगवान को प्रसन्नता देने के लिए। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्य। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमें ये इंद्रिया दी गई है, ताकि हम भगवान को समझ सकते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान को समझ भी सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है, ऐसी इंद्रिय कर्म स्वाभाविक है, अतः भौतिक कल्मश से अप्रभावित रहकर उनसे अविच्छिन्न इंद्रिय तृप्ति होती है और इंद्रियां आध्यात्मिकता के कारण शुद्ध होती है। तो आध्यात्मिकता में हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध होती है। और ये कैसा है, कि वे जो है तीन पॉइंट है वो अटूट है, इसमें कोई रुकावट नहीं है और हमेशा के लिए हम अपनी शुद्ध अवस्था में, जो हमारा मूल अवस्था में रह सकते। लेकिन भौतिक जगत में ये हमेशा जो है हमारी इंद्रियां जो है उसमें रुकावट है, टूट जाती हैं और अशुद्ध होती है, इसीलिए जो है हमें जो आनंद की जो अनुभूति है वो नहीं मिल पाती है। फलस्वरूप ऐसी तुष्टि का दिव्य आनंद प्रदान होता रहता है, क्योंकि ऐसे कार्य अनंत है और लगातार बढ़ते जाते हैं, अनंत है बढ़ते जाते हैं, अतः भौतिक प्रयासों या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो ये है, और ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख पंचम स्कंद में होगा। ये अभी जो है बातें हम समझ रहे हैं और आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी इंद्रियां, अपने मन, अपना शरीर और भगवान की शरणागत किस प्रकार से हम इन मन इंद्रियों और इस शरीर से हम कर सकते हैं, भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ सकते हैं और भगवान कौन है, भगवान कितने महान है, ये सभी चीजें जो है
हम समझ सकते हैं. तो जो समराइज जस्ट गो थ्रू दिस इज आई थिंक द लास्ट लाइन. तो पहला है फर्स्ट स्टेप ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान. शास्त्र में बताया गया ये जो स्तर है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सर्वेति. द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज्ड इन थ्री फेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मतलब एक ही ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि ब्रह्मेति में ज्ञान थोड़ा है, परमात्मा में और ज्ञान बढ़ जाता है, और भगवान के स्तर पे जब आते हैं तो पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पहला स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, और भगवान ही सभी कारणों के कारण है. और इस प्रकार से जो ये जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, जब हम भगवान के साथ हमारा मिलन हो जाता है तो प्रेम का बोध होता है, और वो जो है शाश्वत सुख है, पूर्ण प्रेम है, शोक और भय से मुक्त है और परम है. तीसरा है कि हमारी इंद्रियां जो है वे शुद्ध हो जाती है, और इंद्रियों को हम अपने आनंद के लिए ही नहीं, लेकिन भगवान के आनंद लेने के लिए हम अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अगर हम बहुत अच्छा गा सकते हैं तो पहले हम गाएंगे सब लोगों के लिए, भौतिक लोगों के लिए सुना के सब लोग ना तालियां बजाएंगे. लेकिन जब हमारे पास वही इंद्रियां अगर हमारे अंदर ये गुण है वो हम गाएंगे भगवान को आनंद देने के लिए, और जब भगवान को आनंद होता है तो फिर हमें भी वो आनंद प्राप्त होता है. भगवान से जो कुछ भी हम जो भी हमारे अंदर है गुण है जो हमें भगवान से मिला है, अगर हम भगवान की सेवा में उसको लगा देते हैं तो हमारा जो ये जीवन सार्थक हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, और ये कैसा है हमेशा के लिए वो आनंद जो है बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसका कोई सीमा नहीं है. उसको कहते हैं ब्रह्म सौख्यम. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच. हमें उम्मीद है कि हमने कोशिश की इसको समझाने के लिए. हमें उम्मीद है कि आप लोग कुछ तो समझ गए होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.